सेटलमेंट से लेकर सीओ को तो आपका इकहत्तर दफा हम गीत गाते रहेंगे कि आंदोलन को ढूंढेंगे अपना गांव में। देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बच्चे भी शामिल है, इनसे बात करते हैं। आप देख चुके हैं क्यों बच्चे आप लोग क्यों यहाँ पे हो, साथ में बताओ क्यों रैली कर रहे हो? किशन गुरु जी और मरम लोग रैली में क्यों शामिल हो, किस चीज का मांग है? बाबा का ठीक, बाबा का दिक्कत है। हाँ। क्या हुआ है पापा के साथ, जमीन छीन लिया वो? हाँ। लड़नी होगी आपका, जहाँ आपका नेता है हम लोग में रहेंगे। सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग को सरकार से ही है कि आप लोग का जमीन आदिवासी सब अति सबको छीन रहा है, उसको मांग है। कितना जमीन आप लोगों को लूटा गया? बहुत जमीन लूटा गया। कौन लोग लूटा? जनरल लोग। आप बोलिए क्या क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग का जमीन चाहते हैं और क्या चाहेंगे? आपका भी जमीन लूटा है? आपका भी जमीन लूटा है? हाँ, हम लोग को परेशान नहीं किया जाए। होता है भू माफिया सीओ साहब होता है, इसलिए हम लोगों को जानना है कि आखिर कौन है जो कि सरकारी जमीन को निकलने में, क्योंकि औने पौने दाम में जमीन निकल जाता है। अगर जनरल जमीन को मजरुआ जमीन 40,000 रुपया जमीन खरीद करके अपना परिवार बसा करके यहाँ का आदिवासी या मूलवासी को उजाड़ने का काम सरकार भी कर रही है, साथ में यहाँ का भू माफिया जो छंद पैसों के लिए और छंद दिनों का सुख के लिए समाज को उजाड़ने का काम करते हैं। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा दोस्तों। इस महाधारणा से राज में और पूरे रांची में भूचाल आएगा, क्योंकि आज हम लोग धरना दिए हैं और महान आंदोलन के लिए, महान जन आंदोलन के लिए हम लोग तैयार करेंगे। और सरकार को अपना सीएनटी कानून और यहाँ का स्थानीय जितने कानून है, पढ़ा व्यवस्था का हो चाहे सीएनटी एक्ट हो चाहे जमीन को लूट जमीन का धारा जितने हैं जो आदिवासी का हित में है, उसको बचाने के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।